हिमाचल प्रदेश विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष ने जल जीवन मिशन पर कई सवाल खड़े किए। कटौती प्रस्तावों और चर्चा के दौरान नेता प्रतिपक्ष मुकेश अग्निहोत्री ने जल जीवन मिशन में आज तक हुए टेंडर प्रक्रिया पर सवाल उठाए। मुकेश ने कहा कि प्रदेश का पूरा पैसा जल जीवन मिशन के तहत केवल दो ही विधानसभा क्षेत्रों में खर्च किया गया। नेता प्रतिपक्ष मुकेश अग्निहोत्री ने विधानसभा में चर्चा के दौरान कहा कि जल जीवन मिशन के तहत सीएम के चुनाव क्षेत्र में सबसे ज्यादा स्कीमें और राशि आवंटित की गई। उन्होंने सवाल उठाया कि जल जीवन मिशन के तहत कुल कितने टेंडर अभी तक करवाए गए हैं और इसके लिए हिमाचल को केंद्र से कितनी राशि मिली है। मुकेश ने आरोप लगाया कि टेंडर में असंतुलन है और बड़े पैमाने पर टेंडर बिना बजट प्रावधानों के लगाए गए हैं, कहीं से भी वित्त प्रबंध का कोई प्रावधान नहीं है। ऐसे में इन योजनाओं का क्या हश्र होगा। मुकेश ने कहा कि पीने के पानी की पाइपों की व्यवस्था तक नहीं हो पाई है, ऐसे में पूरे मामले में कैसे अधिकारियों ने इस प्रोजेक्ट्स को आगे बढ़ाया है। खबरों में बने रहने के लिए सब्सक्राइब करें द रीव टाइम्स, लाइक और शेयर करना ना भूलें। गांव की चौपालों से लेकर संसद के गलियारों तक, गृहिणी के चूल्हे से लेकर निवेश और बाजारों तक, किसानों के हाल से लेकर खेत और खलिहानों तक, शिक्षा और स्वास्थ्य से लेकर खेल के मैदानों तक, संसद के प्रधान से लेकर पंचायत के पंच तक, सेंट्रल हॉल से लेकर ग्राम सभा के मंच तक, हर खबर पर रहेगी हमारी पैनी नजर। एक छत के नीचे सुविधाओं का अब उठाएं लाभ। रीव ई मार्ट में अब पाएं अपनी रसोई के लिए गुणवत्ता और सस्ते दामों पर राशन सामग्री। दालें हो या हो मसाले, आपका किचन ई मार्ट संभाले। उच्च गुणवत्ता और दामों में बेहतरीन रीव ई मार्ट में पधारें और पाएं अपनी पसंद के सभी उत्पाद, या फिर करें ऑनलाइन ऑर्डर और पाएं घर द्वार पर ही सुविधा। आज ही संपर्क करें फोन नंबर 8219694079 पर। बाईपास रोड, शनान, संजौली, शिमला। लेटेस्ट खबरों के लिए यू ही देखते रहिए द रीव टाइम्स। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।